फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आरिफ के काम चेक करें। आज हमने बाहर से फूड पांडा से ऑर्डर किया है जी हलवा पूरी, तो उसी का वेट हो रहा है। सारी रात लाइट ही नहीं आई, तो बस कह लें कि दिल नहीं कर रहा बिल्कुल भी किचन में काम करने को। तो आज हमने हलवा पूरी ऑर्डर की है। और आरिफ साहब क्या ले रहे हैं? क्लेयर्स ले रहे हो? जारू भी सोई हुई है। सुबह सुबह उल्टे काम आ रही है, बस गर्मी है, लाइट नहीं है, लाइट आ गई है, लाइट नहीं है, लाइट आ गई है। सारी रात फ्रिज बंद रहा। अब मुझे टेंशन हो रही थी कि मैंने तो अपनी चीज़ों का स्टॉक रख लिया है, शामी वगैरह, कोफ्ते वगैरह, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फ्रिज खुला नहीं है। तो और जारू देखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता जारू के काम चेक कर। जारू पूछो बेबी। हम लोग क्या आज चेंज भी कर लिया इसने। घर में आए, इतनी ज़्यादा गर्मी है, बस रूम मैंने बंद कर लिया, एसी अब लाइट आई है, अब ज़्यादा ठंडा हो जाएगा थोड़ी देर में और फिर हम नाश्ता इंजॉय करेंगे। जारू भी उठ गई है, इसको बस मैं फ्रेश कर लेती हूँ और चाय बनाऊँ, इसलिए मेरे ब्रेकफास्ट आ जाएगा हमारा। उनके पापा को बहुत मिस कर रहे हैं हम, उनके बगैर जो है ना अजीब सा ही लग रहा है, आदत नहीं है उनके बगैर रहने की। हाँ जी अब जारू को सबके पापा की टेंशन हो रही है कि पापा इनके कहाँ है, उसके ये है, उसके अपने पापा नहीं है ना। जारू तो बहुत मिस कर लिया अपने पापा को। मामा पास है पापा के। हाँ दी है इसका कजन, उसके पापा भी बाहर होते हैं, तो कह रही है आपको पता है मामा मेरे पापा भी नहीं है पास, हादी के पापा नहीं है पास, पूरिया के पापा भी नहीं है पास। अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ करे। ब्रेकफास्ट हमारा आ गया है और चाय भी ऑलमोस्ट बन रही है। एक्चुअली मैंने दूसरा लिया हुआ है, एडम्स का है, जो दुकान से मिलता है, तो वो भी जरा फ्रीज हुआ हुआ है, तो आज मैंने सोचा कि इसको भी बना लिया जाए। पानी लास्ट में रखना, इतने में चाय बस हो गई है, चाय बस बॉयल आ जाए स्ट्रेट। पानी देखो फ्रिज में होगा। इन्होंने एक पेट्रोल पंप सा बनाया हुआ है, दिस इज फ्रॉम आईकिया, है ना? अरे आईकिया से
कितने हैं और दो सब्जी खाती हूँ, क्या क्या लिया है, केले ले लिए हैं और हरा धनिया चाहिए था, प्याज ले लिया, बस थोड़ा थोड़ा लिया है जो 2 से 3 दिन है, कुछ मैंगो ले लिए हैं, केले ले लिए हैं, सरे वगैरह के लिए आलू लिए, लेकिन आलू मैंने पहले लिए थे, बिल्कुल ही सॉफ्ट हो गए, खराब हो गए, फिर इनको मैं वॉश करके अच्छे से फ्रिज में रखूँगी। साथ साथ मोटर भी चलाई हुई है कि पानी भर गया, आलू मैं अच्छे से धो के फ्रिज में रखूँगी, मुझे 3 ही चाहिए थे, अब इतनी ज़्यादा सब्जी वगैरह नहीं चाहिए होती, बच्चे मैं कम ही आगे यूज़ होता है, ये मैंने इन केस लेकर रख दी, इसको मैं अच्छे से धो के तो रखूँगी फ्रिज में रखूँगी, बाहर जो है इतनी गर्मी है, बाहर ये खराब हो गई। सब्जी धो चुकी है, अब ये थोड़े से बर्तन वगैरह हैं ये मैं वॉश कर लूँगी, और वाटर पैनिंग डाले अच्छा लगता है आपको। थोड़ी देर पहले आई थी ऊपर, जो सामान मैंने पेटी में रखना है, बिस्तर वगैरह उनका मैं इधर ढेर लगा रही हूँ, और
कर्टन्स जो हैं जो खाली हैं वो इधर रखती जा रही हूँ। कपड़े धो के लटका दिए, जो सामान नीचे लेकर जाना है जारू की, फातिमा की छोटी फ्रॉक्स हैं ये जारू पहनेगी लॉन की। ये हैं कुछ मेरे हैंड बैग्स हैं, कुछ ही छोटा प्रेशर कुकर वगैरह है, ये नीचे लेकर जाने हैं। ये सारे बिस्तर इस कर्टन में जो आया था लिंक कार्गो से रियाद के सामान, उसमें आप ये देखिए मेरा न्यू पैन है, इसका क्या हाल हुआ है। और ये बड़ा वाला प्लेटर था उसका भी बहुत बुरा हाल हो चुका है। सारे मेरे बर्तन अभी इधर रखे हैं कि मेड आएगी उसे अच्छे से वॉश करवाऊंगी। ये देखें, आई डोंट नो कि ये क्या किया उन लोगों ने, ये भी यहाँ से ये देखें सारे बर्तन जो है ना बुरा हाल हो गया, मैंने इधर रखे हैं। और ये मेरा फेवरेट पैन था, मैंने होमबॉक्स से लिया था, आई थिंक या नाइट स्टोर से लिया था, तो इसका हाल देखें क्या हो गया। कर्टन इतना बुरी इसकी कंडीशन थी, दो से तीन कर्टन कर लिए हैं कुछ, अभी तक कपड़े रखे हैं रैंडमली चीज़ें, अभी ये भी नहीं खोला कार्गो का, वो भी एक पड़ा हुआ है और उसके साथ भी पड़ा हुआ है, तो बस आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ें वाइंड अप कर रही हूँ। वो लास्ट में कटलरी का जो एक बॉक्स में आया था छोटा, वो मैंने खोला था क्योंकि मुझे उसमें से कुछ चीज़ें चाहिए थी। बाकी ये देखिए हॉटपॉट्स वगैरह मैंने इधर रख दिए हैं सारे, अब आहिस्ता आहिस्ता करूँगी, बहुत गर्मी है, मसाले वगैरह मैंने निकाल लिए हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हो जाए, तो ये मैं नीचे लेकर जाऊँगी। जी बेटा, आपको पता चल गया कि मैं ऊपर आई हूँ, इतनी गर्मी थी मैंने कहा ये नीचे ही रहने लगे हुए थे खेल में एसी वाले रूम में, तो मैं वीडियो जस्ट बनाने आई थी। पहले मैं एक्चुअली आई थी और मैं थोड़ा सा माइंड अप करके गई हूँ, चीज़ें सेपरेट सेपरेट करके गई हूँ, और ये पैन स्पेशली ये बर्तन आपको दिखाने आई हूँ कि मेरे बर्तनों पर क्या कंडीशन हो गई है। तो ये देखिए, पता नहीं उन लोगों ने क्या किया है कि शीशे के बर्तन या सेरेमिक वगैरह के तो समझ आती है कि जी वो टूट जाते हैं, कोई दब वगैरह लग जाती है, तो ये बर्तन भी का हाल देखें आप क्या इन्होंने लोगों ने किया। सर खड़ा नहीं हुआ जा रहा, मैं तो जा रही हूँ नीचे, लाइट बंद कर देती हूँ, बाकी इंशाल्लाह कोई इतना ज़रूरी नहीं है। बच्चे नीचे चले गए, उनको मैंने नीचे भेज दिया। और एक ये वाले रूम में देखिए क्या मैं इस बच्चों ने किया, सारे ट्वाइस की बकेट जो है, इवन की जो बकेट है ट्वाइस की ये भी कार्गो में आई थी, और ये देखें इसका क्या हाल हुआ। हालांकि मैंने एज इट इज नहीं भेजी थी, इसको कर्टन में डाला हुआ था, ये आई थी मेरी बकेट थी, ये देखिए बस बहुत मैस हो गया। बाकी ये कर्टन वगैरह मैं सोच रही हूँ कल इस रूम को थोड़ा सा सॉर्ट आउट करूँगी इसमें, क्योंकि मेरे लॉन के ड्रेसेस हैं इन कर्टन्स में, वो निकालूँगी जो क्या मुझे चाहिए। नीचे चलते हैं, एक मैंने स्टेज पे कॉर्नर पे बकेट रखी है, कपड़े वगैरह बच्चे जो उतारते हैं चेंज करते हैं उनका भी ऊपर आते हैं इस बकेट को लेके तो वॉश हो जाते हैं। किचन मैंने सारा वाइंड अप कर लिया है और आज कुछ भी नहीं बनाना क्योंकि कल के लेफ्ट ओवर आलू वाले चावल भी पड़े हुए हैं, चिकन का सालन भी पड़ा हुआ है, और मुझे तो बिल्कुल साथ में भूख नहीं लगेगी, सुबह इतना हैवी नाश्ता हलवा पूरी का किया है, फ्रूट्स वगैरह या मिल्क शेक वगैरह भी बच्चों को दूँगी। और ये देखें कल के लेफ्ट ओवर चावल पड़े हुए हैं और उसके बाद चिकन का सालन भी पड़ा हुआ है इधर नीचे, तो आज मेरा प्लान कुछ भी नहीं है करने का। आज बच्चों के कपड़े वगैरह मैं जो एक वीक के होते हैं वो आयरन करूँगी, बच्चे कर रहे हैं अपने बाबा से बात। छोटा था ना फातिमा, फिर आई क्या कि बहुत ट्राइज लेती थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता आरिफ साहब को बिल्कुल ही जो यानी कि बच्चों के ट्राइज होते हैं तो आरिफ को नहीं पसंद आते थे, तो मैं सेव कर लेती थी। अब जारू इनसे खेल रही है माशाल्लाह, वो जो वो है रेड वाला कार्ड उनकी गन्स वगैरह नहीं होती, बाकी सेंटर पॉइंट वगैरह से लिए हैं। चलो खेलो, काउंट करके दिखाओ, काउंट करो, काउंट करो, लाइट गई हुई है और बच्चा टीम जो है मैंने कहा नहाना है तो तुम लोग खेलो, और ये हाल देखो वाटर गन से क्या हो गया।
चलें जी इसके साथ ही आज का व्लॉग करते हैं एंड। दुआओं में याद रखें अपना बहुत सा ख्याल रखें, अल्लाह आप सबके घरों में खैर रखिए। बस अब मैं इनको शॉवर दिलवाऊंगी, थोड़ा खेलें ये लोग और फिर फ्रेश हो जाएंगे। किसी भी कर Love me.